हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ग्लो पील के ऊपर, फेसड्रम का ग्लो पील और यू कैन से पार्टी पील। कि अगर इसमें पार्टी पील कहूँगा बिकॉज अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो रहा है, एकदम आपको शाइनिंग चाहिए और आपको ग्लो चाहिए चेहरे पे, तो आप इसको यूज़ करो और आधे घंटे के अंदर आपके चेहरे में एकदम चमक आ जाएगी। बहुत सारे अभी आपके बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, शादियाँ आने वाली हैं और क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, और अगर आपको कोई भी पार्टी है, किटी पार्टी है, या आपके कॉलेज का फ्रेशर है, या कोई भी इवेंट है आपके कॉलेज में, किसी भी इवेंट में आपको जाना है, तो आप उसमें उसके पहले ये यूज़ कर सकते हो। अभी तक लोग क्या करते थे, अभी तक लोग जाते थे पार्लर जाते थे या क्लिनिक जाते थे। बहुत सारे लोग क्लिनिक जाते हैं और वहाँ पे जाके बड़े बड़े पील्स कराते हैं, खूब सारा पैसा खर्च करते हैं। तो मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ, इस सबका खूब सारे पैसे मैं बचवाने वाला हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है और कैसे इसके अंदर क्या क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको पूरा बताऊँगा। पीलिंग होता क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पीलिंग क्या होता है। तो पीलिंग क्या होता है कि हम बेसिकली आपकी जो डेड लेयर होती है ना स्किन के ऊपर, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब कैसे यू रिमूव करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पील होते हैं, लाइक ग्लाइकोलिक पील जो एक आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, लाइक सैलिसिलिक एसिड और अपना ग्लाइकोलिक एसिड, और लैक्टिक एसिड होता है, मैंडेलिक एसिड होता है, और बहुत सारे एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, टीसीए होता है। तो ये बेसिकली हमारी स्किन की लेयर को रिमूव करता है, जो दो सेल्स होते हैं उसके बीच में जो बॉन्डिंग एजेंट होता है, बॉन्ड होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व कर देता है तो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। तो जब हमारे स्किन की फेस की टैड लेयर निकल जाती है तो हमारा फेस एकदम शाइनिंग हो जाता है और ग्लो करने लगता है। साथ ही साथ इसमें मिक्सचर है, तीन चार चीज़ें और डाली हुई हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म शाइनिंग इफेक्ट दे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको हफ्ते में दो या तीन बार यूज़ करना है। इसके अंदर 10% आर्जिनिन है और 10% लैक्टिक एसिड है और उसमें 10% एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड है, जो विटामिन सी का डेरिवेटिव है, जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है, और साथ में 2% अल्फा अर्बुटिन है, जो व्हाइटनिंग और लाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो अगर आपके चेहरे में आपका फेस अगर लाइक चित करवा टाइप का हो रहा है, कि अलग अलग पैची हो फेस हो रहा है, कहीं यहाँ पे डार्क स्पॉट है, कहीं यहाँ पे अलग कलर है, या अनइवन स्किन टोन है, या आपको फाइन रिंकल्स हैं, या ओपन पोर्स हो रहे हैं, या आपको कोई भी स्किन इश्यूज हैं, डेड लेयर ज़्यादा है, या आपको थोड़ा एजिंग फेस दिख रहा है, कि चेहरे में एजिंग दिख रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको शाइनिंग इफेक्ट देगा और डेड लेयर को रिमूव कर देगा। जब डेड लेयर निकल जाती है तो जो न्यू लेयर आती है अंदर से, वो थोड़ी अच्छी ग्लोइंग और शाइनिंग इफेक्ट देती है। तो आपको कोई भी पार्टी में जाना है या आपको किसी भी इवेंट में जाना है, तो आप उसको पहले हाफ एन आवर पहले लगा लीजिए और एकदम चेहरे में चमक आ जाएगी। तो मैं बताऊँगा अभी यूज़ कैसे करना है। तो उसको यूज़ करने का तरीका सिंपल सा है, पहले अपने फेस को क्लीन करना है, बहुत कॉमन चीज़ है। आपको डिग्रीज करना है। डिग्रीज मतलब क्या होता है कि हमारे फेस में अगर कोई भी ऑयली चीज़ लगी है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर आप डिग्रीजिंग नहीं करेंगे तो उसका इसका प्रॉपर बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, कहीं कम एब्जॉर्ब होगा, तो आपको अनइवन रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अपने पूरे फेस को डीग्रीस कर लें या फेस वॉश करके कोई भी एसीटोन या स्पिरिट से क्लीन आउट कर लें। मैं मिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसको प्रॉपरली क्लीन कर लें ताकि आपके पोर्स जो है वो क्लियर हो जाए, डर्ट है फेस में वो रिमूव हो जाए और फेस क्लियर आउट हो जाए, पूरा साफ कर लें। इसके बाद ये थोड़ा सूख जाए। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो ग्लो पील है फेसडर्मा कंपनी का, इसमें जो मिक्सचर है, इसको आपको 1 ml लेना है। ये 60 ml की बॉटल है, आपको 1 ml लेना है। फुल फेस के लिए सफिशिएंट होता है 1 ml। आप ड्रॉपर से इसको नाप लीजिएगा। 1 ml लेने के बाद किसी भी ग्लास बाउल में इसको निकाल लीजिए और एक अच्छा सा ब्रश लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा, इसको प्रॉपरली लगा के लगाना है। पूरा लगा के आपको इसको छोड़ना है 15 से 20 मिनट। हफ्ते में दो बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसको यूज़ करने के आप तुरंत बाद कोई ब्लीचिंग नहीं करनी है आपको, या ब्लीचिंग के तुरंत बाद आप उसको यूज़ नहीं करना है। और आपको माइट भी टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है, हल्का सा बर्निंग, तो ये पूरा नॉर्मल है और ऐसा होता है बिकॉज इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। तो डरना नहीं, माइट भी आपको इसको रिमूव करने के बाद आपको थोड़ा सा रेडनेस फील हो सकती है, तो वो नॉर्मल है। इसको प्रॉपरली लगा के 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ना है ताकि वर्क कर सके। अगर आपकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ईयरबड से
ईयरबड से आप थोड़ी सी वैसलीन लेके नोज के यहाँ पे सराउंड में और लिप के कॉर्नर में और आईज के कॉर्नर में लगा लीजिएगा, या पहले डीग्रीजिंग के बाद स्टेप फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको अप्लाई करिएगा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सेंसिटिव स्किन है तो यहाँ पे नोज के और लिप के अराउंड और आईज के यहाँ पे डीग्रीजिंग करने के बाद आप वैसलीन लगा लीजिएगा ताकि वो एरिया प्रोटेक्ट रहे, थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। और उसके बाद इसको लगा के आप छोड़ सकते हो 15-20 मिनट के लिए, और 15-20 मिनट लगाने के बाद आप इसको प्रॉपरली वाटर से वॉश करना है। इसको वॉश करने के बाद आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन, बिकॉज वो आपको धूप थोड़ी डैमेज स्किन जब ये रिमूव हो जाएगी तो आपकी डेड लेयर जब निकलेगी तो सन से आपकी स्किन जल्दी डैमेज हो सकती है, तो आपको उसको बचाना है, नहीं बचाएंगे तो अच्छी की जगह खराब हो जाएगा स्किन। तो जस्ट अभी मैं आपको फटाक से रिमूव करके दिखा रहा हूँ, आपको इसको 15-20 मिनट लगा के छोड़ना है। अगर आपको कोई भी एकदम से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, रेडनेस एकदम से आ गई, तो आप इसको फट से वॉश आउट कर दें पानी से। मैं इसको थोड़ा क्लियर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको वॉश आउट करना है अच्छे ज़्यादा पानी से। मैं बिकॉज लैब में बैठा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा पानी नहीं है, तो मैं इसको जस्ट रिमूव कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जो एसिड है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसको प्रॉपरली वॉश आउट करिएगा ताकि पूरा निकल जाए। हफ्ते में दोबारा इसको अप्लाई कर सकते हो, और इसको लगाने के बाद आपको खूब सारा शाइनिंग इफेक्ट आने लगेगा बिकॉज डेड लेयर निकल जाएगी, और पिगमेंटेशन भी कम कर देगा और फाइन लाइंस कम कर देगा, ओपन पोर्स हैं तो भी कम हो जाएंगे, एक्ने हैं तो भी आपको उसको वो भी रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज एक्ने के बैक्टीरिया को मार देगा। इसको प्रॉपरली वॉश करने के बाद आपको कोई भी अच्छा सनस्क्रीन जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो वो अप्लाई करना है। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है आप कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में दो बार यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद इसको वॉश करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपने फैमिली वालों को भी बताइए, सबको स्किन को शाइन कराइए। ऐसा नहीं कि छुपा के आप अपना फॉर्मूला रख लें, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को नहीं बताते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे मुझे पता है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको मिलेगा www.clickoncare.com पे, वहाँ पे COD अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए और इसको जाके खरीद लीजिए, और जैसे आपको एक घर में मिलेगा इसको जाके फट से अप्लाई कर लीजिए। आप इसको दिन में कभी भी लगा सकते हो, आप दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसे तो पार्टी पिल है, अगर आपको किसी कभी अर्जेंसी में कोई पार्टी में जाना है, कुछ है आपको शाइनिंग चाहिए, तो आप उस समय लगा लीजिए, दिन में भी लगा सकते हैं, बट जनरली इसको रात में लगा के क्लियर करके और सो जाइएगा। जो इसमें 10% आर्जिनिन है, 10% लैक्टिक एसिड दूध से बनता है, मिल्क से प्रोडक्ट है, और एल एस्कॉर्बिक ग्लूकोसाइड है जो विटामिन सी का डेरिवेटिव है, जो शाइनिंग इफेक्ट देता है और वाइटनिंग इफेक्ट देगा, लाइटिंग इफेक्ट देगा, साथ में अल्फा अर्बुटिन है जो स्लोली रिलीज होता है स्किन में और एकदम शाइनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट और इवन टोन कर देता है। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ आउट और इसको जाके क्लिक ऑन केयर पे जाके खरीद लो। ग्लोबी ये इसकी प्राइस है 6,000 rupees, 6,000 rupees की पूरी बॉटल आती है, और जो कि 60 ml है, 60 ml है, और इसको 1 ml बहुत ज़्यादा लिया मैंने, आपको थोड़ा कम भी लगा सकते हो, बट 1 ml सफिशियंट है, 1 ml लगाना है। और इसमें आप कम से कम कुछ नहीं तो आप 80-100 बार यूज़ कर सकते हैं, अगर 0.5 ml भी लगाते हो तो आप 120 बार, मतलब 1 ml से कम ही लगता है, तो आप 80-100 times यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 6,000 का है आप। और यही ट्रीटमेंट अगर आप किसी क्लिनिक में जाके लोगे, आप मेरे क्लिनिक में ही आएंगे या किसी भी क्लिनिक, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे, स्किन डॉक्टर के क्लिनिक में जाएंगे या किसी पार्लर में जाएंगे, तो वहाँ पे ये 3,000-4,000 rupees पर सिटिंग, एक सिटिंग का चार्ज 3,000-4,000 rupees होता है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग और बहुत सारी कॉस्टिंग आती है तो वो एड ऑन हो जाती है, बट आप इसको अपने घर में 6,000 में परचेस करके कम से कम 80-100 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपका पार्लर है तो वहाँ पे भी पार्लर में यूज़ कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स को एकदम शाइनिंग फेशियल दे सकते हो, और अपने घर में भी आप यूज़ कर सकते हो, अपने भाई बहन के ऊपर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर, सब पे यूज़ कर सकते हो, सबको चमका दो। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से फट से जाओ क्लिक ऑन केयर पे और जाके इसको खरीद लो, Fasderma का ग्लो पील। और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपका वहाँ पे वेट कर रहा हूँ।